6 जून को हमारे आदरणीय बाबूजी श्री विनोद अग्रवाल जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जब तक वो देह से संसार में थे तब तक जन्मदिन मनाया जाता था, जब तक उनके लिए कोई उत्सव का एक आयोजन किया जाता था, लेकिन आज वो देह से नहीं है, वाणी स्वरूप हमारे साथ हैं और नित्य लीला में लीन हुए हैं, श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त किया है। ऐसे भक्तों के लिए फिर जन्मदिन नहीं रहता है, फिर वो एक महोत्सव बनता है। जिनका उत्सव है उनके लिए भी और जो उत्सव मना रहे हैं उनके लिए भी। तो हम तो यही कहेंगे कि 6 जून को आदरणीय विनोद अग्रवाल जी का जन्म महोत्सव है, प्राकट्य महोत्सव है, बल्कि पूज्य संतों की ऐसी वाणी है कि ऐसे रसिकों का जन्म नहीं होता है, प्राकट्य होता है, वो प्रकट होते हैं, नित्य परिकर से अवतार लेकर आते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण करके फिर नित्य लीला में पहुंच जाते हैं। तो हम वो जहां भी हैं श्री युगल के चरणों में हैं, ऐसा हमको विश्वास है। शायद अब प्रिया जी को और ज़्यादा प्यास लगी होगी ऐसे रसिकों की कि अपनी निकुंज में बैठ के ही उनकी उनकी संध्याओं का, उनके भजनों के सुख लेने की व्यवस्था प्रिया जी को लगी हो कि अब जहाँ प्रचार हो गया है अब फिर वहाँ किसी और उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए आदरणीय विनोद जी को बुलाया है और फिर पुनः किसी एक ऐसे ही प्रेम का उद्देश्य लेके वो इस धराधाम पर किसी और रूप में प्रकट होंगे प्रिया जी, क्योंकि नित्य परिकर को यहाँ भेजती रहती हैं। तो ऐसे महानुभाव के चरणों में उनके पावन 6 जून को जो पावन जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, उनकी उनके समस्त प्रेमियों को, उनके समस्त भक्तों को बधाई इसलिए दे रहे हैं। शोक का विषय नहीं, वाणी में कहा गया है, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज कुसुर नर मुनि वांछित विधि शंकर सिर नायो, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बने आयो। और जिन्होंने वृंदावन धाम को प्राप्त कर लिया, ऐसे परम वैष्णव, परम रसिक, परम संत हृदय, परम भक्त हृदय श्री विनोद अग्रवाल जी के पावन जन्म महोत्सव की उनके समस्त भक्त परिकरों को, समस्त वैष्णव जनों को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।